कोरोना काल में आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, उसी दौर में छत्तीसगढ़ ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास का रास्ता दिखाया है। प्रदेश सरकार मनरेगा को संकट मोचन बनाकर पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। साल 2020-21 में 26,10,000 से ज्यादा मजदूरों को रोजगार दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में सबसे ज्यादा रोजगार राजनांदगांव जिले में दिया गया है। लॉकडाउन में भी लोगों को रोजगार दिया गया, जितने लोगों को काम दिया गया नियमानुसार भुगतान भी जारी है। पंचायत संचालक से बातचीत की सत्या राजपूत ने। छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का रिकॉर्ड भी टूटा है, तो ये किन किन क्षेत्र में ये रोजगार दिए गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पंचायत संचालक इसके प्रकाश जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जितने भी लोग रोजगार गारंटी की योजना के तहत काम करने के लिए इच्छुक है, सभी को हम लोग जॉब कार्ड बनाकर काम भी दिया गया है। इनफैक्ट ये पहला वर्ष होगा अभी तक रिकॉर्ड को हमारा राज्य में टूटा है। इसी 2021 में, वर्ष 2021 में हम लोग एक ही दिन में 26,00,000 मजदूर को काम भी दिए। सो इस प्रकार देखने पर बहुत सारे लोग को हम लोग नौकरी में भी रखा है रोजगार गारंटी के तहत। केवल ये मैं बोल रहा हूँ रोजगार गारंटी के तहत, इसके अलावा हमारा अन्य निर्माण काम भी चलता है, छोटा मोटा काम चलता रहता है, सीसी रोड हो और अन्य रोड जो विभिन्न स्कीम से चलता है वो भी चलता है। सो इस प्रकार हम लोग ग्रामीण एरिया पर कोरोना का प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए काम भी दिया है। क्या है उसमें, जॉब कार्ड में कोई भी कभी भी पंजीयन कर सकता है। सो जितने भी लोग इच्छुक थे पूरे का पूरा दे दिए हम लोग इस दौरान में। 7,00,000 में से जो भी इच्छुक है सभी को जॉब कार्ड बनाए थे, और जो भी उसके बाद काम के लिए आने के लिए इच्छुक थे उनको भी काम दिया। पुनः जिन मजदूर बाहर से आए हैं जो यहाँ रह कर काम करना चाहते हैं उनके लिए ग्रामीण विकास के तहत रणनीति बनाई जा रही है, और जो तमाम सरकारी योजनाएं संचालित है उसमें जॉब कार्ड बनाकर उनको रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। कैमरामैन चोर राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।